गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, लेट्स कंटिन्यू विथ पार्ट 9 ऑफ चैप्टर फेडरलिज्म. इन द लास्ट क्लास आई टॉट अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी ऑन विच फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन द कंट्री. टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन. वॉट इज सेंटर स्टेट रिलेशन? इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी on which Indian federalism practiced in the country. Today we are going to take another example, that is center state relation. Got it? तो center state relation में देखते हैं कि federalism कैसे work करता है. वहाँ पर language में कैसे work किया था कि भाई किसी भी particular state में जहाँ की mother tongue other than हिंदी और English है, वहाँ पर हिंदी और English को forcefully impose नहीं किया जाएगा without their consent. जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक उस स्टेट में हिंदी और इंग्लिश को फोर्सली इम्पोज नहीं किया जाएगा. दे कैन टीच देयर फ्यूचर जनरेशन इन देयर मदर टंग. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स देम टू इम्पोज व्हाट, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज. इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट. गॉट इट? तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशन. इससे भी हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म को फॉलो प्रैक्टिस किया जाता है. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि इंडिया में जो किस तरीके से सेंट्रल स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट है. गॉट इट? तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. हम लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसे तो आप ये समझाने की जरूरत है नहीं. आप लोग बहुत अच्छे समझते हो कि व्हाट इंडिया इज अ फेडरल. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, वी ऑल नो दैट, वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. इंडिया एक ऐसा फेडरल कंट्री है जिसमें पावर क्या कर दिया गया, सेंट्रल स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है, सभी जानते हैं. सच डिविजन्स ऑफ पावर मेक स्टेट्स इंडिपेंडेंट. और ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, स्टेट्स को मोर पावर और फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं. कैसे? किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से. और ये कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की है? लिस्ट के थ्रू, आपको पता है. तो ऑल सब्जेक्ट्स आर क्लियरली मेंशन एंड डिफाइंड इन द वेरियस लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लिस्ट बनाई गई हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट. इन सारे लिस्ट में स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट्स जो हैं, वर्क्स जो हैं, वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं. बस मियत, फिर भी इतनी इंडिपेंडेंसी दोनों को मिली हुई है, फिर भी क्या होता है, कभी कभी दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है. बट समटाइम क्रिएट्स डिस्प्यूट. कभी कभी क्या होता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में. किस पे? वेरियस इशूज पर, जैसे कि लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर. कभी कभी हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री ने नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, तो कोई भी नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टेट्स जो हैं अपनी अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकती हैं. तो ऐसा बहुत सारी गवर्नमेंट ने सोचा और फोर्सली हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की गई. बस में आ रही है ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्क क्या कर दिए, हिंदी को कंपलसरी बना दिया कि भाई अब हिंदी और जैसे एग्जाम्स होने हैं हिंदी और इंग्लिश में ही होने हैं और किस लैंग्वेज में नहीं हो सकता. तो इस तरीके जो डिसीजंस थे कहीं ना कहीं स्टेट्स के इंटरेस्ट को में इंटरफेयर किए, जिससे कि स्टेट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करने होने शुरू कर. लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, सब कोई अपने अपने मदर टंग में एग्जाम्स दे सकते हैं. बस मियाँ, ये डिपेंड्स करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज करें पर्टिकुलर लैंग्वेज को. बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर देती है. गॉट इट? बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, अगर वो किसी और लैंग्वेज देना चाहता है तो दे सकता है. इससे क्या हुआ, हमारी फेडरलिज्म बहुत ही ज़्यादा क्या हुई, डिपनिंग हुई. लेकिन डिस्प्यूट्स तो क्रिएट हुए ना कि भाई पहले तो फोर्सली इम्पोज किया गया, बाद में क्या किया गया, वापस ले लिया गया, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा. उसके बाद से नई स्टेट्स बनाने के लिए, नए स्टेट्स भी बनाने की बात की गई. लोग बहुत सारे स्टेट्स ने कहा कि नहीं भाई, हम यूपी के ही स्टेट्स क्वेश्चन राइज करने लगे, नहीं भाई हम यूपी गवर्नमेंट के साथ नहीं रह सकते. जैसे कि आपको पता है कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ओडिशा अलग हुआ है, बस में आ रही है ना. तो बहुत सारे, जैसे कि आपका हरियाणा अलग हुआ है पंजाब से, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के नाम पर क्या हुए हैं, सेपरेट हो गए हैं. नए बहुत सारे स्टेट्स बनी हैं. मैं आपको एक अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी एंड टिल नाउ, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. जो स्टेट्स पर डिवीजन हुआ है इस पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुई हैं. डिसमिसल ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट
मैक्सिमम ट्राई करती है कि स्टेट गवर्नमेंट में भी उसकी पावर स्टैब्लिश हो और बीजेपी को डिसमिसल करने की कोशिश करती है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है दोनों के बीच में, ठीक है, अपने क्वेश्चन राइज करती है। अब देखना रोल ऑफ गवर्नर्स इन द स्टेट्स, गवर्नर मैक्सिमम क्या होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वहीं वो वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में इंटरफेयर होता है और वो बोलते हैं गवर्नर को हटाओ, इससे सेंट्रल और स्टेट में क्या हो जाता है डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाती हैं। वेलफेयर स्कीम्स, अब बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की उसकी नीड नहीं है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्पोज करने की होती है, नहीं आप इम्पोज करो, अरे भाई अगर सर में दर्द है तो आप मुझे पेट की दवा क्यों दे रहे हो, बस मुझे अगर पूरे स्टेट को सपोज कि किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम स्टेट्स में क्या हुआ कि कोई प्लेग स्प्रेड हुआ, बस मुझे और किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, अब क्या होगा गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको सबको भाई स्कीम तो सारे स्टेट्स के लिए है, अब किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई प्लेग और वो प्लेग नहीं स्प्रेड हुआ है तो फिर उसे उस फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो गवर्नमेंट बोलती है हमें इसके जब कुछ और दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई आपको यही लेना पड़ेगा, अब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है। तो ये से डिस्प्यूट्स बहुत सारे, फिर भी सेंट्रल स्टेट में क्या होता है डिस्प्यूट्स क्रिएट होती हैं और फेडरल स्टेट को क्या करती हैं, हार्म करती हैं, बस में आ रही है। अब देखना आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखना अब इसे ये जो इशूज थी वो कैसे कैसे क्रिएट हुई, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही क्या हुआ कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक द सेम पार्टी रूल्ड इन द सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट, पता है इंडिपेंडेंसी के जस्ट आफ्टर कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो कई काफ़ी टाइम तक, जब तक नेहरू थे तब तक, और नेहरू के बाद भी मैक्सिमम टाइम तक क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जगह स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों जगह सेम पार्टी गवर्नमेंट थी, इससे हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती थी स्टेट गवर्नमेंट कहते थे करते थे, तो कभी उन्होंने अपने राइट्स और पावर का रियल यूज किया ही नहीं, बस में आ रही है ना, अब रियल यूज नहीं किया तो क्वेश्चन राइज नहीं हुए, जब क्वेश्चन राइज नहीं हुए तो फेडरलिज्म बड़ा अच्छे से सक्सेसफुल रहा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह सेम पार्टी थी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में पापा अगर आपको कोई वर्क कहते हैं करने के लिए तो बिना क्वेश्चन के करते हो, लेकिन अगर वही पड़ोसी कहे तो कहने के लिए तो आप तो बोलोगे ना भाई मैं तुम्हारा वर्क क्यों करूं। लेकिन इसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही था कि घर में उस समय इंडिया जो था वो पूरा एक घर था, सेंट्रल गवर्नमेंट पापा थे, बाकी सब उसके बच्चे थे, बच्चे लोग उसका मना कर नहीं सकते थे, बस मेरा क्वेश्चन तो तब आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ोसी का रूल आ जाए और हमारे सब घर वाले स्टेट में हो जाए, तब तो लड़ाई शुरू होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे ये करोगे, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि हम नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन कब राइज हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टी आ गई, बस में आ रही ना, तो बट चेंजेस टेकन प्लेस, काफ़ी चेंजेस हुई, रूलिंग पार्टी इन द स्टेट वॉज डिफरेंट और तो काफ़ी गवर्नमेंट क्या हो गई डिफरेंट हो गई, एंड डिस्प्यूट क्रिएटेड बिटवीन द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरीके से दोनों के बीच में क्या हुआ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और फिर फाइनली बीच में किसको आना पड़ा, बीच में किसको आना पड़ा आपको, जुडिशियरी को, और जुडिशियरी अब बताएगी कि भाई आपके अंदर डिस्प्यूट हुआ है आपके बीच में तो भाई हम उसका सोल्यूशन करेंगे, इस तरीके से फेडरल को क्या फेडरल स्टेट को क्या किया गया, मेंटेन किया गया और उसको कंजर्व किया गया, किसके हेल्प से, जुडिशियरी के हेल्प से, जब जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्वेश्चन राइज हुआ तो जुडिशियरी बीच में आई और मीडिएटर के फॉर्म में आकर के उसकी हेल्प करी और फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया, यूनिटी और डाइवर्सिटी फिर से एस्टैब्लिश हुई क्वेश्चन राइज होने के बाद में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फेडरलिज्म में आते हैं, तो भाई कहने का मतलब यह फेडरल गवर्नमेंट होना बहुत अच्छी बात है, अगर आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं तो इस तरह तो फेडरलिज्म जो है अच्छी बात नहीं है, तो भाई देखो घर अगर खराब, घर में अगर एक नल खराब हो तो नल को सही किया जाता है, पूरे घर को तोड़ा नहीं जाता, ये आप हम सब जानते हैं कि फेडरलिज्म जो है बहुत अच्छी चीज़ है और उसको फॉलो करना चाहिए, बस इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश रहे और मेंटेन रहे। तो इसी टॉपिक को कल मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको कुछ समझाऊंगा, आप पिक्चर में देखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं एक चेयर पर बैठे हुए हैं और बगल जितनी भी चेयर की जो हैंडल्स हैं उसमें अलग अलग पार्टीज़ के चेहरे मतलब कि पार्टीज़ के लोग हैं, ठीक है ना, तो कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं ये भी, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको आगे पिक्चर्स के थ्रू, तब तक आप भी अब पिक्चर्स को देखें समझें और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। तो एनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर द डे, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास।